सांप से मुझे थोड़ा डर लगता था, फिर एक दिन ऐसा आया कि हमारा दोनों का स्टंट चल रहा था। एक्चुअली अभी आप लोगों को ना एक सीन दिखेगा, तो क्या था, एक सांपन थी, सांपन सांपन मतलब सांप, फीमेल सांप, नागिन इनके नाम से सांपन, सांपन थी। तो वो सांपन मेरे गले में पड़ी हुई थी, हम सबके गले में, बाजू में ये था, तो वो सांपन उसके पास जा रही थी ऐसे लपेट के। आपके दिल में जो चीज है ना बोल दो, मतलब वो अंदर रख के ना आप घुटने से तो अच्छा है कि, इसलिए ना मैं मुंह फट रहती हूँ, इसलिए मैंने खतरों के खिलाड़ी में भी जो दिल में आया वो बोल दिया। बाकी लोगों ने बोला भी, कभी कभी इतना ब्लंट भी होना अच्छा नहीं है, किसी को हर्ट हो सकता है। और ये इंडिया का नंबर 1 शो सिर्फ कहने के लिए नहीं, एक्चुअली है, क्योंकि जब भी हमने किया तब हमें पता चला और कितने स्टंट तो मैंने अर्चना ने साथ में किए। और ओ माय गॉड, अरे भैया, हम सारे कंटेस्टेंट्स अपने आप को पहली बार टीवी पे, मतलब खतरों के खिलाड़ी की जंग शुरू होने वाली है, इट्स अ जंग, क्योंकि ये आसान नहीं था। बहुत मज़ा आया इसको करने में, बहुत सारे रिश्ते बनाए, बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे डर को ओवरकम किया, तो बहुत मज़ा आने वाला है। कलर्स पे अगर नहीं पॉसिबल है तो प्लीज़ एटलीस्ट जियो सिनेमा पे ज़रूर ये शो देखिए। और ज़्यादा टाइम नहीं है यार, आई मीन क्या कहना चाहोगे, बहुत बहुत कभी सोचा नहीं था ऐसी ऐसी चीज़ें कर कर आई हूँ। और इतना तो बात मैं मानती हूँ और एक बात पक्की है कि आप लोग हंसोगे ज़रूर मेरे स्टंट सारे देखकर, जिस तरह से मैं डरी हूँ और जिस तरह से चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। सो आई बिलीव इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच मी इन द शो। और बहुत मज़ा आया, आप लोग बहुत प्राउड भी फील करोगे कि अरे अंजुम ने ये कर लिया टाइप्स। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, मुझे एक मिनट भी मिस नहीं करना है शो का। तो जैसे ही शो ऑन एयर जाएगा, आई एम गोना चीयर फॉर ऑल ऑफ अस। एक्चुअली हम सभी 14 कंटेस्टेंट्स ने बहुत मेहनत की है, इतनी अच्छी मेमोरीज़, इतने अच्छे ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हमने बनाई है एक दूसरे के साथ। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी, आई होप कि सब आ जाए और हम सब एक साथ ये शो देखें ऑन एयर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आज मैंने गलती से हील्स पहन ली है। ओह माय गॉड, मैंने भी हील्स पहन लिया आपके हाइट मैच करने के लिए। सो या सो आई एम गोइंग अप टू मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक ही साल में रोडीज किया, स्प्लिट्सविला किया और अभी खतरों के खिलाड़ी किया, और कितनी मज़ा आया लाइक जर्नी में।
और मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैंने कितने अच्छे स्टैंड किया, अच्छे पीपल मिला, अच्छे एक्सपीरियंस हुआ था कलर्स के साथ. तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ और थैंकफुल फॉर दिस एक्सपीरियंस. सच्ची में ये सीज़न सब खिलाड़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एक फील्ड में. कोई पानी में स्टैंड अच्छे करते हैं, कोई हाइट स्टैंड अच्छे करते हैं, कोई चौपर वाला स्टैंड अच्छे करते हैं. तो पूरे खिलाड़ी सो अनप्रडिक्टेबल एंड देर ऑल सो टैलेंटेड एंड हार्ड. शिव बहुत ही स्वीट लड़का है, मतलब नेचुरली उसका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव है. तो आप उसके साथ रहते हैं और मजाक करते हैं तो अच्छा फीलिंग हुआ है. ये मेरा दूसरी खिलाड़ी है, मैं उसको बोलते हैं रूबी क्योंकि उसका बाल रूबी है लाइक अ डायमंड. और ये खिलाड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ. हेलो, ठीक है, मैं जा रही हूँ गाइस रश्मीत की. हम सारे कंटेस्टेंट्स अपने आप को पहली बार टीवी पे, मतलब खतरों के खिलाड़ी की जंग शुरू होने वाली है. इट्स अ जंग क्योंकि ये आसान नहीं था. बहुत मज़ा आया इसको करने में, बहुत सारे रिश्ते बनाए, बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे डर को ओवरकम किया. तो बहुत मज़ा आने वाला है. शिव के साथ मैंने पार्टनर स्टंट्स भी किए हैं तो आप सबको देखने को बहुत सब मिलने वाला है. और अर्चना के साथ तो मेरी प्रॉपर जोड़ी बन गई थी पार्टनर वाली, तो वो भी देखने में बहुत मज़ा आने वाला है. और बस सभी एक परिवार बन गए हैं और तभी हम साथ में आ जाए हैं अपना प्रीमियर देखने, पहला एपिसोड देखने. पानी और शौक, शौक पे तो इतना ज़्यादा शौक लगता है कि मतलब दिल पूरा धड़कने, बहुत ज़्यादा तेज़ धड़कने लग जाता है. बट मेरे को हवा की रानी का अवार्ड मिला है तो मैं हवा पे बहुत चली हूँ, तो वो आपको देखने को मिलने वाला है. तो बहुत मज़ा आएगा. जब आप देखो, लोगों को देखो, लोगों के सामने आओ, तो मुझे लगता है कि मेरे मुंह पे सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा कि मुझे अपनी चॉपर में एंट्री चाहिए और वैसे ही एंट्री होगी. प्लीज़ ये सीज़न देखना बिकॉज इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक. इतना रोए हैं लोग, इतनी चोटें लगी हैं, बहुत मज़ा आई हमें करने में. तो मुझे आई एम श्योर कि आप लोगों को देखने में भी बहुत मज़ा आएगी. थैंक यू सो मच. जैसे कि होता है जब इंसान किसी चीज़ में कदम रखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा धीरे धीरे ना ग्रो करना चाहिए. तो अभी फ़िलहाल मैं ग्रो कर रही हूँ अपने आप को. मैं ट्यूशन्स ले रही हूँ इंग्लिश के और बुक्स पढ़ती हूँ और थोड़ा अपने आप को थोड़ा क्लासी बनाने के लिए नए नए आउटफिट्स, नया नया मेकअप, ये सब चीज़ें मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक अच्छी एक्ट्रेस भी बन पाऊँ. तो बस उसी के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिल में जो चीज़ है ना बोल दो, मतलब वो अंदर रख के ना आप घुटने से तो अच्छा है कि इसलिए ना मैं मुँह फट रहती हूँ. इसलिए मैंने खतरों के खिलाड़ी में भी जो दिल में आया वो बोल दिया. बाकी लोगों ने बोला भी, कभी कभी इतना ब्लंट भी होना अच्छा नहीं है, किसी को हर्ट हो सकता है. तो फिर मैंने उस चीज़ के बारे में सोचा. तो अभी क्या है कि जो मतलब दिल में आता है बोल देती हूँ. बट ऑफकोर्स
मतलब जो मुद्दा रहता है वही बोलती हूँ, मतलब उल्टा नहीं बोलती हूँ किसी को। क्या हुआ था, हम लोगों की दो फ्लाइटें थी, एक में मैं, नायरा और ऐश्वर्या थे, और भी डेजी वेजी डेजी और भी बहुत सारे शहजान, ये सब लोग थे। पहली वाली फ्लाइट में बहुत सारे लोग थे, तो मेरे साथ जो सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग बनी वो ऐश्वर्या की बनी, फिर उसके बाद नायरा के साथ बनी, फिर हम लोग लास्ट तक जो सबसे बेस्ट फ्रेंड थे ना, सबसे ज़्यादा जो मतलब कभी अलग ही नहीं हुए वैनिटी में एक साथ, वो दो लोग थे, ऐश्वर्या और नायरा। तो हम तीनों का बॉन्डिंग जो बना है ना, उसे तीन त्रिमूर्ति भी बोला गया था। तो हम लोगों का मतलब ऐसा बॉन्ड बना है। तो मुझे ना टेंशन सबसे पहले ये हुई कि पानी ठंडा है और सर्दी है, 5 डिग्री टेम्परेचर है, मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, और छिपकली है उससे मैं मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फोबिया है। भगवान का टच बूट कि पूरे स्टंट में मुझे छिपकली नहीं मिली, ये बहुत अच्छी बात हो गई। और दूसरी चीज़ ठंडे पानी, वो तो ऑफ कोर्स हर किसी को डर लगा ठंडे पानी, क्योंकि 5 डिग्री टेम्परेचर है और ऊपर से नदी में जाना है ठंडे पानी में, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को कि वापस से इतना बेहतरीन शो करने को मिला, और ये इंडिया का नंबर वन शो सिर्फ कहने के लिए नहीं एक्चुअली है, क्योंकि जब हमने किया था हमें पता चला, और कितने स्टंट तो मैंने अर्चना ने साथ में किए, और ओह माय गॉड, अरे भैया नौ चंदी का मेला और हलवा पराठा तो याद आया है। हम लोगों ने ना एक स्टंट किया था और मुझे ये बात पता नहीं थी, और इसे भी नहीं पता था कि मुझे हाइट से डर लगता है। तो वहाँ जाके तुमने बोला हाइट कैसी है तुम्हारी, डर मैं देखो मुझे भी डर लगता है, हाथ मिला लो पहले तो। तो हम लोगों ने नौचंदी का मेला, क्योंकि हम मेरठ से ही है, तो वहाँ पे नौचंदी का मेले और हलवा पराठा और दही बल्ले, दही बल्ले सब हमने सब याद किया हमने उस एक स्टंट के अंदर। वो स्टंट फिर हम लोगों ने बताएंगे वहाँ देख लो। अरे वो पहला वाला स्टंट हमारा जो आपकी आई थी हमारे ऊपर, तो मेरा एक ये था कि सांप से मुझे थोड़ा डर लगता था, फिर एक दिन ऐसा आया कि हमारा दोनों का स्टंट। एक्चुअली अभी आप लोगों को ना एक सीन दिखेगा, आज ही एपिसोड में दिखा शायद, हाँ आज की एपिसोड में शायद, नहीं कल के एपिसोड में। तो क्या था, एक सांपन थी, सांपन सांपन मतलब सांप, फीमेल सांप, नागिन इनके नाम से सांपन, सांपन थी। तो वो सांपन मेरे गले में पड़ी हुई थी, हम सबके गले में, बाजू में ये था, तो वो सांपन उसके पास जा रही थी ऐसे लपेट के, और उस सांपन ने इसको लपेट लिया। और मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, क्योंकि मेरे कंधे पे ऑलरेडी एक सांप था, और चला गया सांपन भी मेरे ऊपर आ रहा था, मेरी हालत खराब, मैं कह ये क्या हो गया यार। तो वो सच में वो बहुत मतलब जब भी हम दोनों साथ में रहे ना, उस बात को जरूर याद किया, बहुत मजा आएगा, मतलब आप देखना क्या हुआ फिर बाद में, आप लोग देखना, बस आप लोग देखना, हो चुका है खतरों के खिलाड़ी, आज भी आएगा, कल भी आएगा, सैटरडे संडे आएगा, आप लोग देखना, बहुत मजा आएगा। इस बार जितने स्टंट हुए, कितने सारे नए स्टंट हुए, तो आप सबको बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू।